और एक नल स्टोर करवाया, नल एक अलग टाइप है, स्ट्रिंग एक अलग टाइप है, ठीक है। तो ये स्टोर करवाया हो गया, अनडिफाइंड कोई वैल्यू जिस डिफाइंड नहीं है वो भी स्टोर करवाई हो गई। इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन स्टोर करवाया, एक पूरा का पूरा एरो फंक्शन, वो भी हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप क्या थी? एनी। एनी टाइप के अंदर हर तरह का डाटा, चाहे फंक्शन हो, बोलियन हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, नंबर हो, कुछ भी हो, वो इजीली स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जब हमें ये ना स्पेसिफाई हो कि हमारे डाटा की टाइप क्या है, तब हम एनी टाइप यूज करते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ होती है कि जावास्क्रिप्ट में हम टाइप नहीं डिफाइन करते हैं। जब भी हम कोई डाटा उसमें स्टोर करने के लिए करते हैं तो हम डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम इक्वल टू आगे वो डाटा लिख देते हैं, वो डाटा इजीली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब जब जावास्क्रिप्ट में वो डाटा स्टोर हो जाता है ना, तो वो अगर हम यही फंक्शनैलिटी यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में भी हमें टाइप नहीं पता, तो हम टाइप डिफाइन ना करनी पड़े, हम जावास्क्रिप्ट वाला तरीका इस्तेमाल कर लें किसी तरह से, तो हम ये एनी का कीवर्ड वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की या कोई वैल्यू की टाइप नहीं पता होती कि उस टाइप कौन सी टाइप की वैल्यू उस डाटा के अंदर स्टोर होने जा रही है, ठीक है। तो फिर हम एनी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट तो हमें कंफाइन करती है कि हम हर चीज़ को प्रॉपरली टाइप करें, ठीक है। लेकिन अगर हमें कभी बार बार डाटा ना आ रहा हो या डाटा की टाइप हमें ना पता हो, तब हम एनी लगा के किसी ना किसी तरह काम वगैरह चला लेते हैं, ठीक है। तो एनी की समझ आ गई, एनी क्या चीज़ है? इतने वेरिएबल्स में जो प्रिंट करवाएंगे तो सबसे लास्ट में हमने ये वाला दिया ना, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला के वेरिएबल को ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर अपडेशन होती रहती है। मैंने ये वाली वैल्यू दी, उसमें स्टोर होगी, देन फिर ये वाली होगी, देन ये वाली होगी, इस तरह सारी वैल्यूज होगी, सबसे लास्ट पे उसके अंदर ये वैल्यू होगी, वो लास्ट पे उसके अंदर फंक्शन होगा, क्योंकि वेरिएबल की सबसे लेटेस्ट जो वैल्यू होती है ना, वही उसकी फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। एक वेरिएबल में 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो वो जब सबसे लेटेस्ट जो वैल्यू है ना, उसको वो क्या करता है, अपनी फाइनल वैल्यू कंसीडर करता है, और फिर उसे ही एग्जीक्यूशन करवा देता है। अच्छा, तो ये एनी की समझ आ गई, एनी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है एक और टाइप है जिसका नाम है अननोन, ठीक है। अननोन का मतलब, अननोन और एनी में डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं। अननोन का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि किसी वेरिएबल में क्या डाटा है, तब हम उसकी टाइप अननोन रखते हैं, ठीक है। एनी तब रखते हैं जब हम ये चाहते हैं कि वेरिएबल में किसी तरह का भी डाटा स्टोर हो जाए, तब हम उसकी टाइप एनी रखते हैं। और जब हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि वेरिएबल के अंदर जो डाटा है उसकी कोई ना कोई टाइप लाजमी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस टाइप का नाम क्या है, वो नंबर है, स्ट्रिंग है, तब हम क्या रखते हैं, अननोन रखते हैं। अननोन का मतलब वी डोंट नो अबाउट द टाइप ऑफ द डाटा that is stored in the variable, ठीक है। वही अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, कि अननोन और एनी में क्या डिफरेंस है। अगली एग्जांपल वो ही है, ठीक है, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि अननोन और एनी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वो अगर अभी बता दूंगा तो वो फिर क्या है कि एग्जांपल समझ आने का वो एक क्रेज जो उसका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी बता दूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अननोन में अब देखो, अननोन हमने बताया इसमें ट्रू लगा हो गया, 42 रखा, ये डिफरेंट वैल्यूज रखी मैंने यहाँ पर, सारी की सारी ओके होगी, ठीक है। तो अननोन और एनी सेम काम कर रहे हैं, एनी भी हर तरह के डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है और अननोन भी हर तरह के डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस इसमें ये थर्ड एग्जांपल के अंदर है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या चीज है कि जब हमारे पास कोई डाटा अननोन होता है, ठीक है, कोई डाटा की टाइप अननोन होती है, तो अननोन डाटा को हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल इस चीज को देखते हैं, ये है वो एग्जांपल जिसके अंदर एनी और अननोन में डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखो, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैंने अननोन डिक्लेयर किया, या ना डिक्लेयर, उसके बाद मैंने इस अननोन, ये मेरे पास वेरिएबल था, यानी इसका नाम क्या था, वैल। इस अननोन को मैंने दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाया जिसका नाम क्या है, वैल वन, उसकी टाइप भी क्या है, अननोन। तो अननोन अननोन में स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने
अननोन वाला वेरिएबल जिसका नाम वैल था, इस वैल को मैंने स्टोर करवाया इसके अंदर एक दूसरे डाटा के अंदर, दूसरे वेरिएबल के अंदर, जिसके टाइप क्या होती एनी। तो अननोन एनी के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया, क्योंकि एनी तो हर चीज़ को ओकोपाई करते हैं। अब जब मैंने तीसरा काम किया कि एक वेरिएबल जो मेरे पास अननोन है, उस अननोन वेरिएबल को मैंने जब एक बूलियन के अंदर स्टोर करवाया तो मेरे पास एरर आ, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर ये मैसेज जनरेट किया, उसने कहा कि वैल वाला जो वेरिएबल है ये अननोन है, इसकी टाइप तो आप जानते ही नहीं हैं किसकी क्या टाइप है। जब आप इसकी टाइप नहीं जानते तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि इसकी टाइप बूलियन ही होगी, क्योंकि बूलियन में तो बूलियन ही स्टोर होता है और आप इसकी टाइप जानते ही नहीं हैं, तो आप कैसे ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इसकी टाइप बूलियन ही होगी। आपने खुद बताया कि हम इसकी टाइप नहीं जानते। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि मैं तो वैल थ्री को कह रहा है कि मैं तो अपने अंदर बूलियन ही स्टोर कर सकता हूँ बस, मैं और कोई चीज़ नहीं स्टोर कर सकता। आप जो मुझे डाटा दे रहे हैं उसकी टाइप आप नहीं जानते, तो मैं कैसे जानूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी टाइप बूलियन है या नहीं। या तो बूलियन दे स्टोर कर दो, बूलियन नहीं है आपको पता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे जो है उसको स्टोर कर दूँ कि आप बताओ बूलियन ना हो। इस चीज की समझ आ गई ऊपर किस चीज में? उधर इसलिए पता चला है ना कि उधर हमने इस वेरिएबल को अननोन रखा है, तो अननोन का मतलब हमें नहीं पता इसकी टाइप क्या है। तो अब ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है एक तरह का, ठीक है। अब उसमें हम जब हमें नहीं पता ना उसकी टाइप क्या है, अब जब नहीं पता तो वो जो भी हम टाइप लिख रहे हैं वो उसके अंदर उसको स्टोर करी जा रहा है, ठीक है। उसको टाइप से डिक्लेयर नहीं है, यहाँ पर हमने बताया कि कौन सी टाइप है उसकी, नहीं ना बताया ना, हमने बस ये बताया कि उसकी टाइप का हमें नहीं पता। जब हमने बताया कि हमें उसकी टाइप का नहीं पता तो अब वो कह रहा है ठीक है आपको टाइप का नहीं पता, वैल्यू दे दो, मैं चुप करके स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने बता दिया है कि भाई इसकी टाइप क्या होगी, बूलियन होगी। यहाँ पर बता दिया कि बूलियन होगी, बूलियन के अलावा कुछ नहीं हो सकती। जब हमने बता दिया कि अब इसकी टाइप बूलियन होगी, इसका मतलब अब स्ट्रिक्ट हो गया कि इसके अंदर बूलियन नहीं आ सकता। अब जब हम एक ऐसा वेरिएबल जिसकी टाइप अननोन है, अननोन का मतलब हमें नहीं पता उसमें किस तरह का डाटा है, तो ये मुझे एरर देगा, वो कहेगा कि इसका डाटा बूलियन होना चाहिए, ठीक है, आपको नहीं पता तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसका डाटा बूलियन करके लेके आओ, तब इसके अंदर स्टोर। हाँ यहाँ पर यानी जब हमने बूलियन यहाँ पर फिक्स कर दिया तो अब अननोन टाइप का डाटा हम बूलियन किसी भी दूसरे टाइप के वेरिएबल में, बूलियन का मतलब नहीं ये नंबर भी हो जाए, नंबर में भी एरर देगा, यानी अननोन टाइप का वेरिएबल हम किसी भी दूसरे टाइप के वेरिएबल में जिसकी टाइप डिफाइन की हो उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये एनी के अंदर ये सिस्टम नहीं है, एनी टाइप का डाटा हम किसी भी दूसरे टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। इन दोनों का बेसिकली यूज कम होता है, लेकिन बाज दफ़ा जब हम कर रहे होते हैं ना डाटा को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जब हमारे पास नॉर्मली आ रहा होता है फ्रंट एंड से डाटा, तो उस टाइम पे इन टाइप्स की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जब आगे अभी इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो तो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि अभी आप लोगों ने आगे फ्रेमवर्क्स की पढ़े, जब हम फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर फ्रेमवर्क्स के अंदर जो डाटा आता है पैरामीटर्स के अंदर ब्लॉक्स के अंदर वो डाटा आता है, उस डाटा का हमें टाइप नहीं पता होती बात, तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ है ना, यानी टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली टाइपिंग लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिमाग खपाई वाला काम सारी की सारी टाइप्स को सीखना है, सबसे ज़्यादा यही मुश्किल काम। यानी आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिख के पूरी वेब एप्लीकेशन पर आने के, लेकिन जब डाटा वहाँ से पैरामीटर में आ रहा होता है या प्रॉम्प्ट में आ रहा होता है तो आपको ये नहीं पता लग रहा होता कि हमने इसकी टाइप क्या रखनी है जिसकी वजह से एरर आए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर टाइप्स को, हर चीज़ को टाइप के अगेंस्ट ही फिक्स करना, ये इसके अंदर सब थोड़ा सा जैसे कह लें कि ट्रिकी काम है, और इसी चीज़ को हम इसलिए यहाँ पर सीख रहे हैं कि टाइप्स को हमने डिफाइन करना होगा। टाइप्स नहीं डिफाइन करते तो बाद दफ़ा वो एरर दे देते हैं, वो कहता है कि ये टाइप जो है ना वो इसके नहीं आ रही, ठीक है। ये अक्सर बहुत दफ़ा इस तरह से जो है ना, जब फ्रंट एंड से डाटा ले रहे होते हैं, सर इसी तरह ही है ना, जब फ्रंट से डाटा हमारा आ रहा होता है तो इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो टाइप्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि किस तरह से टाइप्स आ रही हैं जा रही हैं, डाटा स्टोर वगैरह हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। तो ये टाइप्स आपको अभी मे भी आपको लगे कि इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, बट मैं गो टू द पॉकेट बुक इंशाल्लाह तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये टाइप्स हमें क्यों पढ़ाई गई है,
इन टाइप का क्या क्या फायदा है, अब यानी आपको पढ़ाया गया बात तो आपको नहीं पता लग रहा होगा कि फ्रंट एंड से जो डाटा आ रहा है, यूजर जो डाटा लिख रहा है उसकी टाइप क्या है। आप एक टाइप लगाएंगे एरर आ जाएगा, दूसरी लगाएंगे एरर आ जाएगा, तीसरी लगाएंगे एरर आ जाएगा, तब आप थक हार के एनी टाइप इस्तेमाल कर वो एक्सेप्ट कर देते, ठीक है। ये चीज़ है तो इसकी समझ आ गई अननोन की। और यहाँ पर ये देखेंगे आप अननोन वेरिएबल को किसी भी दूसरे वेरिएबल में जिसकी टाइप मैंने पहले से डिफाइन कर दिया उसमें मैं स्टोर नहीं कर सकता, ना मैं इसको स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूँ, ना मैं इसको ये कोड टाइप आ गई है किसी तरह की इसमें भी स्टोर नहीं कर सकता, यानी किसी भी तरह की एक रिकॉर्ड की टाइप डिफाइन की है जिसमें स्ट्रिंग होगा या नहीं होगा, तो हम इसको किसी भी दूसरे टाइप में क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी खुद टाइप नहीं पता। तो अननोन और एनी में डिफरेंस पता लग गया सबको, ठीक है, अननोन और एनी में क्या डिफरेंस होता है। कौन सा वाला ये वाला, ये वाला इसमें नहीं, नहीं ये मैंने न्यू वेरिएबल बनाया कि यहाँ से स्टार्ट हो अननोन, हाँ तो वो फिर इसलिए एरर आएगा ना कि देखो ना यहाँ पर मैंने ये वैल्यू बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बनाया और इधर आके मैं अगर इसकी इसका नाम ही कह रहा हूँ तो मैं वैल्यू बनाती हूँ, तो वो इसलिए एरर आएगा ना क्योंकि दो सेम नाम के वैल्यूएबल हो, तो वो देर दो सेम नाम की वजह से वो फिर एरर दे, हाँ क्योंकि वो दो सेम नाम के तो वैल्यूएबल नहीं हो सकते ना, उसने तो वैल्यूएबल को जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, तो इसलिए अगर यहाँ पर लिखता हूँ ना वैल्यू तो देखो एरर आ गई, उसने कहा दो सेम नाम के यहाँ पे खुद ही वो कह रहा है कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक्स ऑफ वेरिएबल वैल्यू, कह रहा है दो सेम नाम के इसलिए आप इसको नहीं वैल्यू वन करूँगा तो आप खत्म, नहीं सेम नाम के वेरिएबल को वो नहीं कंसिडर कर रहा, हाँ ये सिंपल एक कंसेप्ट है कि अननोन टाइप का वेरिएबल किसी भी दूसरे टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता, लेकिन एनी टाइप का वेरिएबल किसी दूसरे टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, सिंपल इसका डिफरेंस है। अननोन अननोन में हो सकता है, अननोन एनी में, एनी में तो हर चीज हो सकती है, अननोन अननोन में हो सकता है क्योंकि सेम टाइप है, लेकिन अननोन जो है ना एनी और अननोन के अलावा किसी में नहीं हो सकता, ठीक है, जबकि एनी में सब कुछ हो सकता है। अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आगे जो चीज आ रही है दैट इज द एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग का मतलब है ये बेसिकली कांसेप्ट होता है टाइप कास्टिंग का, ठीक है, टाइप कास्टिंग का कांसेप्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, हर लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग का कांसेप्ट होता है। टाइप कास्टिंग कोई बता सकता है क्या होती है टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है अगर हमारे पास एक टाइप का डाटा है तो एक टाइप के डाटा को हमने किसी दूसरे टाइप के डाटा में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इस चीज को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। एक टाइप के डाटा को किसी दूसरे टाइप के डाटा में कन्वर्ट करने का नाम टाइप कास्टिंग, ठीक है। मैं यहाँ से कोड पहले बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट नेम और इसकी टाइप मैंने रख दी स्ट्रिंग है ये, और इसके अंदर मैंने एक इस तरह से रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पार्स इंट एक मेथड लगाया, इस मेथड में मैंने क्या किया ये जो वेरिएबल है नेम ये पास कर दिया, और पास करने के बाद मैंने इसके स्टार्ट पे एक टाइप ऑफ का फंक्शन भी लगाया, ठीक है, और इसको मैंने लॉग भी करवा दिया अपना सोलो विंडो, ये इस तरह से मैंने करवा दिया, सेव किया चलाया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो टाइप है इसकी जो टाइप है ये क्या है, यहाँ पे मैंने इसकी टाइप स्ट्रिंग रखी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मेथड लगाया उसका नाम क्या है पार्स इंट। पार्स इंट बेसिकली एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में जो कि किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट के अंदर भी होगा, ठीक है। इसी तरह
नंबर को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रिंग का टू स्ट्रिंग का मेथड होता है जो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये फॉर सेट का मेथड है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना, इसको ये क्या करेगा किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब जब मैं देखूंगा ना इसकी टाइप मैंने प्रिंट कराई, पहले मैंने इसको कन्वर्ट करा दिया ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसकी टाइप में जब प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या इसकी टाइप आ रही है नंबर, जबकि मेरे पास यहाँ पर तो टाइप थी इसकी स्ट्रिंग, और जब स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग नहीं आ रही नंबर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि पार्स स्ट्रिंग ने इस नेम वाले वेरिएबल की टाइप को कन्वर्ट कर दिया है किसमें नंबर में, और तब जब मैंने उसकी टाइप चेक कराई तो फिर वो मुझे कह रहा है कि इसकी टाइप तो नंबर हो चुकी है। इस चीज़ को कहते हैं टाइप कास्टिंग ठीक है, एक टाइप के डाटा को किसी दूसरे टाइप के डाटा में कन्वर्ट कर देना इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो इस चीज़ की समझ आ गई कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो आप उनकी गेट एंट्री करके मतलब जो आप हैं तो आपने अपना रोल नंबर और जो आपका गेस्ट का नेम है आपने वो लिखा है और आपकी एंट्री हो गई है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चेंज हुआ है उसके बाद ये नीचे मैंने एक पार्सिंट मेथड लगाया कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, एक मेथड है जो कि किसी भी डाटा को इंटीजर्स में यानी नंबर्स में कन्वर्ट करता है ठीक है। पार्सिंट मैंने इसके अंदर पास किया नेम, ये नेम क्या है, नेम तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसने पार्सिंट ने इस नेम को क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। जब इंटीजर में कन्वर्ट किया तो अब ये इंटीजर बन चुका है, पास इंट अप्लाई होने के बाद इंटीजर बन चुका है। मैंने पीछे एक टाइप ऑफ फंक्शन लगाया, मैंने कहा कि मुझे अब बताओ कि पास इंट कन्वर्ट करने के बाद इसकी क्या टाइप है, तो उसने मुझे यहाँ पर आंसर किया कि इसकी टाइप ऑफ नंबर होगी। तो इस चीज़ को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, एक टाइप को टाइप के डाटा को दूसरे टाइप के डाटा में कन्वर्ट कर देना, इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग ठीक है। तो इसी तरह से पास फ्लोट होता है ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग का मेथड होता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वो डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं। टाइपस्क्रिप्ट में हम अब देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में कौन किस तरह की कास्टिंग इस्तेमाल होती है ठीक है। सर अगर आप पास नहीं करते तो एरर शो करेगा, नहीं नहीं एरर नहीं शो करेगा, प्रिंट कर देगा। अरे देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे किया ना, ऐसे कर दिया ठीक है, अब एरर तो कोई नहीं आएगा, अब मुझे बताएगा कि इसकी टाइप क्या है, मैंने तो टाइप के लिए इसमें किया था, तो अब मुझे बता देगा इसकी टाइप क्या है, अब मुझे इसकी टाइप क्या बताएगा, अब मुझे स्ट्रिंग बताएगा ठीक है, अब इसकी टाइप पर स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी, पार्स इंट लगाने की वजह से उसकी टाइप नंबर में कन्वर्ट हो गई ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है नेक्स्ट, हाँ जी एक ही बार कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं जितनी मर्जी दफा कन्वर्ट कर,
एक दफा आपने कन्वर्ट किया ना, यहाँ पर आपने बेसिकली कन्वर्ट किया, एक दफा कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने जो कन्वर्ट करना होता है ना, नॉर्मली हम एक दफा कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, प्रोग्रामिंग में यही होता है कि कभी एक डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट कर लो, फिर दूसरे को पहले में कन्वर्ट कर लो। प्रोग्रामिंग में ये चीज़ ही होती है, प्रोग्रामिंग में जब हम देख रहे होते हैं कि हमारा डाटा इसके मुताबिक नहीं ठीक, तो हम उसे एक दफा फिर पावरशीट वगैरह को इस तरह से चीज़ लगा के उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब दोबारा जो कन्वर्जन की चीज़ है, वो दोबारा कन्वर्ट वैसे कभी मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर दोबारा कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हम प्लान करके चलते हैं ना हर चीज़ को, तो दोबारा कन्वर्ट करके इसको देख लेते हैं, यहाँ पर तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर फिर सेम टू सेम स्टेटमेंट लगाई, और अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि दोबारा अगर इससे उसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए एक मैथड होता है टू स्ट्रिंग के नाम से, टू स्ट्रिंग क्या आ गया, ये मैंने कन्वर्ट किया। अब ये उसमें एरर दे रहा है, इसलिए दे रहा है, कह रहा है कि एक्सपेक्टेड जीरो आर्गुमेंट बट नॉट वन। अच्छा हाँ, सो हो गया कन्वर्ट, ठीक है। तो हम नॉर्मली जब करते हैं ना, तो वो एक ही दफा से कन्वर्ट करते हैं, दो दफा हम कभी कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। एक हम सिर्फ करते हैं तो वो एक ही दफा कन्वर्ट करते हैं। तो ये अब ये वाला ये चीज अलग है, ये है बेसिकली फंक्शन जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और ये है स्ट्रिंग का मेथड, ये स्ट्रिंग का एक मेथड है। इस तरह स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड होते हैं, लोअर केस अपर केस ये मेथड होते हैं ना। ये जब आप पढ़ेंगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तब आपको जो है वो इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये डॉट जब हम लगा के कुछ मेथड यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, और ये जो सिंपल इस तरह से कुछ फंक्शंस जो यूज़ करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट का एक मैथड है, टू स्ट्रिंग टू अपर टू लोअर, जो ये ऑब्जेक्ट्स के मैथड्स हैं जो कि उस पर अप्लाई होते हैं, इसलिए वो हमने डॉट इस्तेमाल करके करते हैं। इसमें फ्लोट में तो वो पास फ्लोट करके कर देंगे, पास फ्लोट नहीं हो रहा। हाँ, नेम की डाटा टाइप, यहाँ नेम की डाटा क्या हो गई थी, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप चेक कर रहा हूँ। जब हम असाइन करेंगे ना, तो फिर तो डाटा टाइप चेंज हो भी जाएगी, जब हम असाइन करेंगे ना तो फिर तो डाटा टाइप चेंज करेगी ना, हम सिर्फ यहाँ पर अभी चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। पाइथन जो है ना, ये लैंग्वेज इसके इसमें जो मेथड्स हैं, अगर आप पाइथन के अंदर ना एक बड़ी आसान चीज़ है, उसके सिंपल सिंपल मेथड है, और सिंपल सिंपल मेथड से उसके अंदर टाइम पासिंग बड़े इजीली हो जाती है। इसमें भी सिंपल मेथड है, वो सिंपल मेथड अभी मैं वही पढ़ाने जा रहा था कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक सिंपल मेथड क्या है टाइप पासिंग करने का, वही अभी ये मैंने इसमें सैम्पल दिए हैं, अभी वो सिंपल मेथड ही मैं पढ़ाने जा रहा था कि टाइप स्क्रिप्ट में इजीली किस तरह से टाइप पासिंग हो जाती है। अच्छा, अब देखते हैं ये बेसिकली जो हमारा काम है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है, ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। अब इसमें टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब भी हमने किसी डाटा की टाइप को कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए एलियस का कीवर्ड होता है, एएस का कीवर्ड होता है, उसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के डाटा को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टाइप स्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, ठीक है, कि जब कोई भी हमारे पास डाटा है ना, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसी भी टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ये नेम लिखा, और नेम लिखने के बाद नेम के बाद मैंने एस का कीवर्ड लगाया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, ठीक है।
ये मैंने इस तरह नेम का कीवर्ड लिख के ना नेम एज नंबर उसमें मुझे नहीं पता किस तरह का डाटा स्टोर है, ठीक है। ये अननोन, उसको अननोन आप पढ़ चुके हैं, अननोन को जो है ना वो हमने डिक्लेयर कर दिया कि अननोन, इसमें डाटा मुझे नहीं पता किस तरह का स्टोर है, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लिखने लॉग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा कि माई नेम एज स्ट्रिंग, के जो ये माई नेम है ना, इसके अंदर जो डाटा है ना, ये डाटा क्या हो एज स्ट्रिंग, का मतलब कि ये डाटा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जब यहाँ पर प्रिंट होने लगे ना कंसोल डॉट लॉग में, तो यहाँ पे ये डाटा क्या हो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इस डाटा, इसकी टाइप क्या थी, अननोन थी, इसकी टाइप का तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया कि वो डाटा प्रिंट होने से पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। वो डाटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आगे आ गया डॉट, डॉट के बाद आगे हमने लगाया गया लेंथ। ये लेंथ किसका फंक्शन होता है, ये तो स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ लगाते एज स्ट्रिंग किए बगैर, ये अगर हम ना करते इसके अंदर लेंथ लगा देते यहाँ पे, तो ये मेरे पास एरर आ जाता, क्योंकि वो कहता कि भाई आपको नहीं पता कि इस डाटा की क्या टाइप है, इसकी डाटा तो अननोन है। तो लेंथ वाला जो फंक्शन है वो तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के साथ अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब जब लेंथ वाला फंक्शन हमने अप्लाई करना था, हमें पता था कि लेंथ हमने अप्लाई करनी है, तो लेंथ अप्लाई होने से पहले हमें उसको एक्सप्लिसिटली यानी उसे अर्जेंटली हमें बताना पड़ा कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे, ताकि उस पर लेंथ का ऑपरेशन यानी लेंथ का जो उसकी जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो परफॉर्म हो सके। तो उसके लिए हमने एज का कीवर्ड इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे लिखा माई नेम एज स्ट्रिंग, कि उसमें जो भी डाटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे। अब इस पर लेंथ का फंक्शन अप्लाई हो जाए, ठीक है। अगर इसको ना लिखा जाता, यानी इसको पहले मैं इसकी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एज का कीवर्ड खत्म करूंगा, तो वो उसको लेंथ में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी देखो ये उसने इसको इजीली लेंथ में कन्वर्ट कर लिया, इसको डॉक्यूमेंट कर लिया, ठीक है। उसने इजीली क्या किया, इसको लेंथ के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और उसकी लेंथ भी बता दी कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी लेंथ है, 3 कैरेक्टर्स की लेंथ है, उसने उसकी लेंथ बता दी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी टाइप अननोन थी, हमें नहीं पता थी, ये देखो एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि इसकी टाइप तो अननोन है, और स्ट्रिंग लेंथ के लगाने के लिए इसकी जो टाइप है इट मस्ट बी द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की हम जो है ना वो चीज़ के लिए क्या करते हैं, एलियस का कीवर्ड, एलियस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, कि जब हमारे पास कोई मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो टाइप का डाटा हमारे पास नहीं होता, तो फिर हम एज का कीवर्ड लगा के एज के कीवर्ड के थ्रू उसकी टाइप को चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ अननोन टाइप है, इसलिए इसको नहीं करता, हाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैसेज लिख देता हूँ, ये लिख दिया एस, अब नंबर में लेंथ तो नहीं ना होता, तो लेंथ को मैं डाल देता हूँ, ठीक है। नंबर में लेंथ तो नहीं होती, तो इसलिए मैंने वो हटा दिया। तो अब ये क्या, अब अगर ये माई नेम एज आ गया, अब अगर इसके शुरू में लगा देंगे ना ऐसे टाइप ऑफ का, ये इस तरह से लगा दिया, अब देखते हैं इसकी टाइप क्या है, नंबर आ गई। यहाँ पे अननोन उसकी टाइप थी, हमें नहीं पता उसके अंदर डाटा कौन सा था, अननोन टाइप थी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उसकी टाइप को स्ट्रिक्ट कर दिया कि वो क्या है एज नंबर। यहाँ पर ठीक है, हाँ वही चीज़ उनका भी वही मसला था, वही मैं समझ पा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ माई नेम लिखा, अब ये मेरे पास एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू टाइप नंबर मे बी अ मिस्टेक बिकॉज़ नाइदर टाइप सफिशिएंटली ओवरलैप्स विद द अदर। एक दफा जब हम
हम यहाँ पर टाइप लिख देते हैं ना, तो अब एस का जो कीवर्ड है ना वो हम काम फिर नहीं कर सकते। एस का कीवर्ड नॉर्मली हम इस्तेमाल ही तब करते हैं जब हमें डेटा जब आ रहा होता है ना उस जगह से आने वाले डेटा का नहीं पता होता, उसकी टाइप अननोन होती है या टाइप हमें नहीं पता होती, तब हम उसको डायनामिकली किसी प्रिंट करवाने से पहले या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने से पहले हम उसकी टाइप जल्दी से जो है ना अर्जेंटली उसकी टाइप को एज के कीवर्ड से चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें पता हो कि पीछे से आने वाला डाटा क्या है, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि ये डाटा जो है ना ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने ऐसा स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, मुझे पता है कि ये डाटा स्ट्रिंग है, तो अब मैंने इसको जब कन्वर्ट करना है नंबर में तो अब मैं वो फॉर सेट यूज करूँगा। किधर लेकिन अब आप चार से पांच सिनेरियोस के साथ इसको ट्राई करके देखें। एस का कीवर्ड नॉर्मली जो इस्तेमाल होता है ना वो किसी फंक्शन में जाने से पहले जो डाटा होता है ना उसको हम अर्जेंटली कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। हम एस को कभी ऐसे यूज नहीं करते कि हमें पता है अच्छा एक डाटा है उसकी टाइप हमने ऊपर बताई हुई है और नीचे आके कभी एस के फंक्शन को यूज करके उसकी टाइप चेंज नहीं करते। एस हम तब लगा रहे होते हैं जब डाटा किसी फंक्शन में नहीं पुट हो रहा होता, उस फंक्शन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, तो अर्जेंटली उसकी टाइप चेंज करने के लिए हम एस का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, अर्जेंटली उसकी टाइप, हाँ फंक्शन या मेथड जो भी हो, ठीक है। अच्छा उसमें ना एक चीज़ और है कि ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आप इसमें देखें कि अभी जो मैंने एक मैथड यूज किया था फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम और मैंने लिखा टू स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पर मैंने टू स्ट्रिंग का एक मेथड लिखा, इसको यहाँ पर स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग आ गया, यहाँ पर आ गया टू स्ट्रिंग, ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, अब ये जो टू स्ट्रिंग है ना इसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाई है ना राउंड ब्रैकेट्स, और ये जो लेंथ का मेथड था यहाँ पे जो यूज हुआ था, क्या इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाई थी? नहीं। तो जब हमारे पास किसी भी डॉट के बाद आगे कुछ भी लिखा हो उसके बाद जब ब्रैकेट्स आ रही हो ना तो वो एक ऑब्जेक्ट मेथड होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक ऑब्जेक्ट मेथड। और जब हमारे पास डॉट के बाद ब्रैकेट ना आ रही हो जस्ट एक नाम लिखा हो जिस तरह से लेंथ, तो वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, मेथड्स और प्रॉपर्टी, ठीक है। जब ब्रैकेट्स आ रही हो तब ये हमारे पास क्या होता है मेथड होता है ऑब्जेक्ट का, और जब ब्रैकेट्स ना आ रही हो तब ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इन दो में डिफरेंस है। अब आपको ये पड़ेगा कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद एक लास्ट तरीका है, एक आखिरी तरीका जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका, एक तो ये मैंने बता दिया एस का जो कीवर्ड है, ये एस का कीवर्ड इस्तेमाल होता है अर्जेंटली क्या करने के लिए, उसकी टाइप को कन्वर्ट करने के लिए एस का कीवर्ड, जब हमें ना पता हो कि डाटा के अंदर कौन सा किसी टाइप है, जिस तरह से अननोन डाटा तो उसके लिए एस का कीवर्ड यूज करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि एक और तरीका है, वो तरीका ये वाला है, ये कि हम ये सिंटैक्स भी यूज करते हैं उसकी टाइप को कन्वर्ट करने में। क्वार्टर 3 वाले स्टूडेंट हैं, अभी मुझे सर का मैसेज है, सर 11 बजे तक आएंगे तो लैब ऊपर ओपन होगी, मेरी लैब ओपन नहीं की, लैब वाले आ गए तो आप वहाँ पे जाके अगर आप क्वेरीज आंसर में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे डील कर देंगे, और तो वापस जब सर आ जाएंगे तो आपको ना नीचे बता दिया जाएगा, तो अभी क्योंकि सर डेट है मुझे अभी सर का मैसेज भी, और बाकी ठीक है। सर ने आना है, ये ना हो कि आप लैब में जाए ऊपर जाके लैब पर आ गए हो, मैं आ रहा हूँ लैब में। अच्छा
अभी आपने टॉपिक पढ़े हैं जो कि कामरान भाई ने आपको बताए हैं काफी ज्यादा, और उनमें से एक टॉपिक है किसी कास्टिंग का, एक एनी का, अनकाउंट का, नेवर का, ठीक है। ये असल भाई काम है आई नहीं जो मैंने सेंड किया है,
द स्ट्रक्चरल एंड द टाइपिंग, तो चलें वो भी है आपका। तो कौन आपको बताएगा कि डिफरेंस बिटवीन टाइपर और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? जिसको पता मिले तो वो आकर आ गया। एक दो यार देख देख के आप खड़ा कर रहे, मैंने फिर भी बुला लेना, आप नहीं भी खड़ा करो मैं बुला लू, आप आ नीचे कैसे जाना। ओके एक दो तीन चार और पाँच छ सात ऑलमोस्ट 280 या 250 के राउंड स्टूडेंट्स हैं ये तो, लेकिन फिर भी आप जो हैं वो क्या आपसे कहते हैं कि 240 की अगर मेरा मैथ सही है, बाकी 243 लोगों को नहीं पता, जो कि मैंने रात को मैसेज भी किया और उस मैसेज के एंड पे बहुत क्लियरली वर्ड्स में लिखा हुआ था कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द टाइप एंड इंटरफेस। कोई मैसेज पढ़ के बताएगा उसके आउटलाइंस क्या लिखी हुई है? कोई भी इसके पास अभी होगा नहीं इस मोर ये भी आपकी इंस्ट्रक्टर फीमेल इंस्ट्रक्टर है, ये क्वार्टर 3 को और क्वार्टर 2 को पढ़ा रही है साथ में, तो आप नहीं कर रहे ओके। तो ये भी आपकी इंस्ट्रक्टर हसन भी आपके इंस्ट्रक्टर, तो आपके डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो स्विच करते रहते हैं बाय प्रोफेशन। शी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इनका गूगल में एक्सपीरियंस है और अभी जॉब कर रही है साथ में, और साथ में ये मैंने क्लाउड की टीम का भी पार्ट है और साथ में ये मतलब पढ़ा भी रही है क्वार्टर 1 को। ये शॉर्ट इन का इंट्रोडक्शन है, चले वापस आते हैं। वैसे क्वार्टर 3 वाले ऊपर हैं, मैंने वही नीचे के लिए ज़्यादा लेट आना है तो क्लास में हैं वो आपका काम हो जाएगा। हाँ मेरा हिस्सा हाँ बस ठीक है, मैं आता हूँ अभी ये उड़ा करके आई माशाल्लाह, तो ये अपनी क्लास के लिए कुछ नहीं है, आप अपनी क्लास का पार्ट है तो वो अपनी क्लास में वापस आ रहा। आप वापस आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड इंटरफेस, आपने भी कुछ पढ़ के बताया कि टाइप को आप रीयूज कर सकते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लेक्सीबिलिटी होती है, ठीक है, जबकि इंटरफेस जो होते हैं आपके ब्लेड्स को शेयर करने के लिए और इस तरह की। ऑब्जेक्ट की शेप से क्या मतलब है? शेप शक्ल कोई ऑब्जेक्ट की शेप का क्या स्पेसिफिक कैंड में है कि ऑब्जेक्ट की शेप के एग्जैक्टली स्ट्रक्चर जो होता है ऑब्जेक्ट का वो आपका होता है। तो वैसे कितने लोगों ने ट्राई किया था पढ़ने का जो असाइनमेंट थी लास्ट वीक में? एक दो तीन मतलब अगर ट्राई वाले भी हैं तो 20 to 25 है, ठीक है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरी लास्ट रात को बात हुई थी सर दयाल, तो सर दयाल ने मुझे कॉल दिया और कि आप इनसे क्लास में टेस्ट लें, आप इनकी वैल्यूएशन करें, अगर आपको लगता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो यू आर द फ्री कि आप उन्हें यहाँ से एक्सपेल कर सकते हैं, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्यों एक्सपेल किया है। एंड दे डोंट नीड कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए तो उनको वो उस चीज़ के, लेकिन उन्हें उस चीज़ का सेट कोई यही है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ फेयर नहीं करें, मेरे साथ कुछ नहीं करें, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं माशाल्लाह किराया लगा के आते हैं तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, वो 100 रुपये वाले भी अभी भी 100 पेट लगाते हैं महंगा हो जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो आपके इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा आपका इंक्रीज है, तो आप किराया लगा के आते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करके आते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं। तो ना पढ़ने की मुझे रीज़न बताएं, आज आज के टॉपिक्स हो गए सिर्फ एक रह गए वो मैं करवा दूँगा, ना पढ़ने की मुझे रीज़न बताएं। माइक है वायरलेस आर उसमें माइक लेना वाले जरा उसे उठा के, मुझे लगता है वो फिर आपका मैच देख रहा है।
ओके, तो ये माइक चल रहा है, चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है यार, इसे सोल्व कर लो ना, गलत काम किया मैं कर रहा हूँ, बात है वो कोई बीच में देख के बाद में ये किया काम किया हो। अच्छा चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, माइक के अंदर। हाँ मैं पूछूंगा आप जी का क्या हो गया, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं जी? दो तीन काम आपके चल रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी का काम है, इसके अलावा आपको टाइम नहीं, मतलब आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मतलब टाइम मैनेजमेंट बस आप वाले माइक पास है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? सर सिर्फ लास्ट वीक नहीं पढ़ा, लास्ट वीक नहीं पढ़ा, उससे पीछे पढ़ा हो तो उससे पीछे अगर पूछ लेता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ लास्ट वीक वाला नहीं, उससे पीछे मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा उससे पीछे हमने पढ़ा था, अगर मुझे याद है। अच्छा नोट, हम नोट का प्रोजेक्ट क्यों है सर? वो चीज़ें चेंज कर लिया थी इसके अंदर, नहीं अगर मैं अगर जो मैंने काम करने बगैर नोट के प्रोजेक्ट भी होगी सर, सर प्रॉब्लम नहीं निकली यूजर से, और डिपेंड नहीं करता कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है कि नहीं लेनी। मैंने बताया था कि हम नोट का प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, प्रॉम्प्ट के लिए होता है, प्रॉम्प्ट तो एक चीज़ है ना, उसका फंक्शन है। अब अगर मैंने किसी फंक्शन, अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट में प्रॉम्प्ट का यूज़ नहीं करता तो नोट का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। आपके अकॉर्डिंग ये है कि प्रॉम्प्ट के लिए आप नहीं किए, मेरे अकॉर्डिंग ये है उसमें ज़्यादा अच्छा, मतलब आपको नहीं पता कि हम नोट का प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं। चलें नेक्स्ट माइक जरा पॉज करें, आप पढ़ते हैं? अच्छा कितनी देर तक, मतलब कहाँ तक पढ़ा रहे हो? एक वीक, दो वीक, तीन वीक, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो क्या आपको समझ नहीं आ रही, क्या फाइन है, क्या करते हैं? थोड़ा सा माफ कर, थोड़ा सा चलें कोशिश
आप पढ़ के हैं नहीं पढ़ के हैं आप अच्छा ट्राई करते हैं आप टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है मुझे आपके यहाँ भी ओके कुछ नहीं लगते आपका आपके जॉब के टाइम एनर्जी और आप पढ़ के हैं वो अच्छा आप जॉब कर रहे हैं आपके कामरा ये जरा माइक वापस लेना चलो एक लाइन तो ये होगी इधर 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 देखो आपको क्या समझ आया क्या नहीं समझ गया